और एक बड़ी खबर आ रही है वो जान लीजिए, राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की है। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, किसानों से उन्होंने मुलाकात की है, कई अहम बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। राहुल गांधी ने मुलाकात की है, लगातार किसान एमएसपी का मुद्दा उठा ही रहे थे। आपको स्क्रीन पर सरवन सिंह पंडेर दिख रहे हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है। आज का जो तय कार्यक्रम रखा गया था कि राहुल गांधी की मुलाकात किसान नेताओं से होगी, वो मुलाकात हो गई है। एमएसपी गारंटी की बात कही थी, ये बात राहुल ने वहां पर भी मुलाकात में कही है। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा गया, सुनिए। हमारे हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। आप वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी को आपने सुना, किसानों के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसकी जानकारी मीडिया को दे रहे थे। इस पर बात करने के लिए जनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनेंद्र, एमएसपी की लीगल गारंटी, इसके अलावा भी कोई और मांगे किसानों की, क्या प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से कहा है, क्या डिटेल्स इस पर? और बिल्कुल देखिए, ये सबसे प्रमुख मांग है कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को दी जाए। उसको लेकर के पंजाब हरियाणा बॉर्डर, जो शंभू बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, वहां पर बीते कई हफ्तों से, कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं। और उसी उन्हीं किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें 12 किसान नेता शामिल थे, उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे मांग की कि वो सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी दे। क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की इस मांग को शामिल किया था, उसी बात को राहुल गांधी ने इस मुलाकात में दोहराया। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है, अपनी तरफ से सिर्फ सरकार से मांग कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया किसान नेताओं को कि वो सरकार से ये मांग जारी रखेंगे सदन के अंदर और सदन के बाहर। अपनी तरफ से किसान नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर के आए। इसको लेकर फिर साफ नहीं है कि क्या राहुल गांधी एक प्राइवेट मेंबर बिल एमएसपी लीगल गारंटी को लेकर आएंगे। हालांकि अगर वो लाते भी हैं तो इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिल पास तो नहीं हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है किसान नेताओं को कि वो अपनी तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे एमएसपी की लीगल गारंटी लागू करने को लेकर के। जी ठीक है जनेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।